नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, पिछली जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये जो आप शेड है इसमें हम दो पार्टीशन करने वाले हैं। एक जो है ये जो आप सेंटर में से देख रहे हैं, सेंटर में से उस ओर जो है ये हम मुर्गियाँ बिठाने के लिए एक पार्टीशन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो इधर का जो हाफ पार्ट है तो इसमें जो है मुर्गियाँ जो है हमारी वो अंडे देने के लिए उनके लिए ये जगह हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसका आइडिया हमें दोस्तों एक ऐसे मिला कि हम बहुत दिन से देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि मुर्गियाँ जो है वो जो इस साइड जो है इधर ये इधर के साइड में ही ज़्यादा बैठना पसंद कर रही थी अंडों पे। तो यहीं पे जो है वो आप इनके अंडे देख पा रहे हैं कि इनके अंडे जो है वो यहीं पे ज़्यादा वो दे रही थी। जैसे कि ये सेकंड ये थर्ड वाला जो हमारा एक ब्लॉक हो गया इसमें, या फिर इसमें देखिए, और ये साइड में देखिए, ये फर्स्ट वाले में, सेकंड में, थर्ड, जो यहाँ पे जो है ना, और ये जो आखिर का जो इसका एंड है, आखिर का जो सिरा है इसका, तो इसमें जो है वो मुर्गियाँ जो है वो अंडे नहीं दे रही थी। देखिए ये सब ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है, इसमें दो अंडे दिए हुए हैं, लेकिन ये जो है ये इस तरफ आना पसंद नहीं करती है इसके एंड पॉइंट पे। तो ये बात जो है ये हमने ऑब्जर्व की, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो उस साइड का जो हमारा हिस्सा है तो उसका कुछ एक फ़ायदा हमें मिले। तो वो ऐसे ही एम्प्टी पड़ा रहता है उधर उस साइड में, तो इसके लिए इस वजह से हमने सोचा कि इसके दो पार्टीशन कर दिए जाए। और अब जो वो वाला जो हमारा एक शेड देख रहे हैं यहाँ पे वो वाला, तो उसमें मैं मुर्गियाँ बिठा रहा था वहाँ पे, लेकिन उसमें जो है वो 8-10 मुर्गियाँ हमारी बैठती थी, तो उसके लिए उतना बड़ा शेड जो है वो वेस्टेज डालना या फिर वेस्टेज वो जा रहा था, इतना बड़ा शेड 8-10 मुर्गियों के लिए रखना ये कोई ठीक नहीं लगा हमें। तो हमने सोचा कि फिर इसके दो पार्टीशन कर दिए जाए, बीच में से जो है उस तरफ मुर्गियाँ बिठाई जाए। तो अगर बीच में से हम इसे पार्टीशन कर देते हैं तो उस तरफ जो है हम आराम से वहाँ पे जो है 20 से 25 जो मुर्गियाँ है वो आराम से बिठा सकते हैं। 30 तक की भी मुर्गियाँ जो है वो उसमें बिठा सकते हैं, उसी में उनको ड्रिंकर फीडर जो है उनका वहीं पे हम अच्छे से रख सकते हैं। और ये यहाँ से जो है ये हाफ पार्ट जो है इसका, यहाँ पे हम एक छोटा सा एक गेट बनाने वाले हैं, तो वो गेट जो है वो उस तरफ जाने के लिए रहेगा, और गेट बंद रहेगा तो इधर की जो मुर्गियाँ है, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ है, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी उस साइड में। तो इसलिए हमें ये गेट बनाना एक ज़रूरी है अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने आज से इसका काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे ये जो है ये यहाँ पे जाली है, ये मुर्गा जाली है जिसे हम यहाँ पे मुर्गा जाली बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, कोई कबूतर जाली भी इसे बोलता है, तो आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस तरह की जाली हमें लगानी है। कोई हेवी जाली नहीं लगानी है क्योंकि हमें कोई इतना हेवी काम नहीं करना है उसमें, सिर्फ मुर्गियाँ जो है वो उस साइड में जाके मुर्गियों को डिस्टर्ब ना करें, बस उसके लिए ये बीच में जाली लगानी है। तो यहाँ पर जो आप ये एंगल देख पा रहे हैं ये भी मैंने लिया हुआ है, और ये भी पतले साइज़ में है, कोई बड़े हेवी नहीं है। तो इससे जो है वो हम बनाने वाले हैं अंदर जो है दो पार्टीशन करेंगे। तो इस शेड को अगर आप बनता हुआ पूरा देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए, और ऐसे ही अगर कुछ नए जो इनोवेशन है या फिर नई आइडिया जो है वो अगर आपके काम आती है हमारे काम से, हमें तो उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि आपको भी उसका एक बेनिफिट मिले, उसको आपको एक आइडिया मिले कि आपको किस तरह से ये शेड वगैरह जो है वो बनाने हैं। तो यही बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आया तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। तो जैसे ही हम कोई एक नई वीडियो अगर आपके लिए बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, हम पूरा दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए पूरा ये आपके लिए वीडियो। किसान भाइयों, यहाँ पे हम सबसे पहले मेजरमेंट ले लेंगे कि हमें किस तरह से ये जो यहाँ पे हम गेट बना रहे हैं, जो छोटा सा गेट हमें आने जाने के लिए जो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे।
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो किसान भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एक छोटा सा जो एक दरवाज़ा है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए, जिसका मैंने नाप वगैरह लिया था तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया है। ये पूरा अच्छे से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अगला जो मेरा काम रहेगा वो ये है कि ये जो ऊपर का जो आप ये खाली भाग देख रहे हैं, ये वाली जो जगह है, तो इसके अंदर मुझे एक जो है क्रॉस से जाली का बनाने वाला हूँ। वो ओपन नहीं होगा, वो एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि मुर्गियाँ इसके ऊपर बैठ के इधर आ सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं ये कवर कर दूँगा। और फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो जो आपने जो मुर्गा जाली देखी है, जो एक जाली है हमारी, वो यहाँ से मैं यहाँ से नीचे से ही यहाँ से ऐसा पूरा ये कवर कर दूँगा, ताकि उधर की जो मुर्गियाँ है वो इस तरफ ना आ सके। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, देखिए पूरा अंत तक। तो किसान भाइयों, जो फाइनली हम जो यहाँ पे जो पार्टीशन करने वाले थे तो वो हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टीशन है हमारी, ये आप गेट देख रहे हैं और ये हमारी पार्टीशन हो गई। ये जो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यह एक ब्लॉक है यहाँ पे, और उस तरफ जो है वो हमारी मुर्गियाँ जो है, जिस पर्पज़ से हमने ये बनाने का सोचा था, तो वहाँ पे हमारी मुर्गियाँ जो है वो अंडों पे उस साइड में बैठी हुई है। तो अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं हो पा रहा है ये दूसरी मुर्गियों से। तो वो काफ़ी अच्छे से जो है अपने अंडों पे बैठी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा प्लान मैंने जो चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे जो हम जो मैंने मुर्गा जाली बोला था, एक जो पतली जो जाली मैंने आपको दिखाई थी वो लगाने की हम सोच रहे थे, लेकिन ये जो आप टीन देख रहे हैं, ये टीन जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ था, उस पर मेरी नज़र पड़ी, तो वो फालतू में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वो सोचा कि मैंने इस काम में उसे लाया जाए, और यहाँ पे मैंने उसे यूज़ कर दिया है। देखिए, हमें क्या करना है, हमें कोई इस पे जो हमारा शेड है या फिर जो हमारा पोल्ट्री फार्म है, इस पे एक हमें बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पैसों की जो ये है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं हमें। बस कोई भी हमारे पास जो वेस्टेज सामान पड़ा है उसका आप कुछ जुगाड़ करके जो है वो आप उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। और कहने का मेरा यही है कि आप पैसे जो है वो अपने ज़्यादा अपने शेड पे या इस पे वेस्ट ना करिए। जितना आप उस पे खर्चा कम करोगे उतना भी उतना आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा आपके पोल्ट्री में, आपके फार्म में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास वेस्टेज जो पड़ा होता है वो हम अगर कहीं पे लगता है इसमें हम कर सकते हैं उसे, तो उसे ज़रूर आप इसे इसमें यूज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं दिखेगा वैसा, वो बातें जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारा एक हमारी एक कोशिश ये है कि जितने भी हम पैसे हम बचा सकते हैं उतने हमें बचाने चाहिए। तो इसीलिए जो है हमने ये टीन यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये टीन जो है ये मैंने यहाँ पे फिट कर दी है। तो ये इसका जो है ये बेकार में ऐसी पड़ी हुई थी, तो इसका यूज़ मैंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे ले लिया है। तो ये हमारा एक पार्टीशन हो गया है अभी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी मुर्गियाँ जो है वो अंडे देने के लिए बैठी हुई है। अब ये मुर्गी जो है ये अंडे पे बैठी हुई है, ये खुड़ुक मुर्गी है, तो ये जो है यहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है इसके नीचे जो है वो सात ही अंडे हैं,
तो मुझे इस पे कम से कम 12 अंडों पे इसे बिठाना है, तो आज के दिन मैं इसे यहीं रहने दूंगा। कल जो है वो 12 अंडे जो है इसके इसके लिए अभी हो जाएंगे, तो फिर इसे मैं उठा के इस तरफ अपने इस साइड में ले आऊँगा। तो यहाँ पे जो है आप चलते हैं हम इस तरफ, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक यहाँ पे एक हुक बना दिया है इस तरह का, और एक यहाँ पे मैंने नीचे लिया हुआ है, तो कोई हेवी नहीं बनाया है हमने, एक बिल्कुल एक लाइट वेट, क्योंकि इसमें हमारा आना जाना जो है वो कम ही रहता है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये जो मुर्गियाँ है यहाँ पे ये अंडों पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे ये एक दो और ये तीन, देखिए यहाँ पे ये तीन मुर्गियाँ है, और इस तरफ जो है आप ये एक मुर्गी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी इसमें जो है चार मुर्गियाँ जो है वो हमारी यहाँ पे हमने बिठाई हुई है। तो यहाँ पे जो है ये हमने फीड डाला हुआ है, गेहूँ है उसमें, ज्वार है और उसमें राइस है कच्चा वाला, तो ये हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो पानी पीने के लिए वहाँ पे मैंने ड्रिंकर रखा हुआ है, और जाके जो कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो इसी के अंदर जो है वो अब 21 दिन तक जो है वो इसी के अंदर रहने वाली है। तो खाना पानी जो है उनका सब मैंने यहाँ पे उनके लिए रख दिया है। तो इस तरह का हमने ये पार्टीशन बनाया है। अगर आपको भी अगर कुछ आपके पास अगर कोई शेड है और वो अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और उसमें अगर आप छोटा सा कोई पार्टीशन करके अगर आप इस तरह से मुर्गियाँ बिठाने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। अभी ये जो है ये जो शेड हमने बना दिया है, जो इसमें पार्टीशन कर दिया है, वो काफ़ी एक यूज़फुल हो गया है हमारे लिए, तो काफ़ी अच्छा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ काम आई होगी मेरी ये वीडियो। तो अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको तुरंत मिल जाए। और आगे जो एक वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो जो हमारा जो एक गेज है, जो मोंगूस वगैरह या जंगली बिल्लियों को पकड़ने के लिए जो गेज है, तो वो जो गेज का एक मैंने पिछले वीडियो डाला था, तो वो जो है वो गेज एक जंगली बिल्ली ने उसे तोड़ दिया है। तो अभी जो हम दूसरा जो एक गेज बनाने वाले हैं उसका भी मैं वीडियो आपको एक दे दूंगा, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।